पंजाब च चल रहा वा ओहदे बारे की कहना चाहते हो? साथ साहब जी, आ मेरे को उसे पार्टी के पीर मुहम्मद साहब बैठे है, इन्हां दे वर्कर्स बैठे है, बीबी बैठी है, सरदार जसकरण सिंह बैठे है। ये जिहड़ा 2020 है, बहुत वड्डा उदम ते अच्छा गल कीती है, पर जिहड़ा रेफरेंडम की गल है ना 2020 दे ने कीती, वो मेरे ख्याल दे विच हो नहीं सकता। क्यों करके ए कोई देश अपने इलाके दे विच करांदा हुंदा है रेफरेंडम, ते जानता है ये सिख जस्टिस पार्टी ने इंडिया दे नाल गल कर ली है, पर मुमकिन नहीं है। क्यों करके इंडिया किते भी प्लेबसाइट ते रेफरेंडम करन दे लई तैयार नहीं हैगा, ते जे इंडिया नहीं कराऊगा फिर रेफरेंडम जे प्राइवेट चैनल कराऊगी ता वोट ता साडे एंटी जेडे हैगे है, बादल है, अमरिंदर सिंह है, ये सरसे वाले है, ये सारे जेडे कांग्रेस आम आदमी पार्टी है, ये साडे विरुद्ध कराउणगे कि सानू खालिस्तान नहीं चाहिदा। इहदे नाल फिर सानू धक्का बहुत लगना। जिहड़ी असली चीज है, जिहड़ी दुनिया की निगाह दे विच भी आजूगी, जिहड़ा मता यूएन ते होर संस्था दे विच भी जा सकदा है लेजिटमेटली, वो है कि जिहड़ियां 2017 दियां इलेक्शन्स आ रहे है उहदे विच सिख जस्टिस पार्टी कह दवे कि ये जिहड़े इलेक्शन्स है जिवें श्रोमणी अकाली दल अमृतसर खालिस्तान दे मते ते लड़दी है ते उहदे उत्ते वोट पा दो ते अपना बहुत फायदा हो जूगा। ये मेरा नहीं होना, कौम दा होगा। ते 2020 तो पहला 17 दा वोट पै जान, वो यूएन दे विच भी मन्ने जाणगे, सारे फोरम्स दे विच भी मन्ने जाणगे कि सिख अपनी आजादी चाहते हैं। सो मेरा तो यह प्रस्ताव है, मैं यह 2020 के खिलाफ नहीं हैगा, पर यह मैनू मुश्किल लगता क्यों करके मैं इन चिर सेवा की है कौम की, ते मैं यूएन दे रूल्स भी जानदा, सारे जानदा इंटरनेशनल दे कि यह इस तरह हो सकता। ते जे प्राइवेट एजेंसी तो करवाया ते ओ सिक्स फॉर जस्टिस कहंदे आ कि असी यूएन दे विच मता लै जावांगे। यूएन दा सूल है कि कोई आजाद मुल्क तुहाडा मता यूएन दे विच लैके जा सकदा है। असी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जां सिक्स फॉर जस्टिस ए यूएन दे विच नहीं लैके जा के सकदे कि मता कि सानू आजादी चाहीदी है, साडियां वोटां पवाओ। सो यही तरीका है कि यह सारे सिख कट्ठे होके 2017 दियां जिहड़ियां वोटां पै रही हैं उहदे उत्ते जिहड़ी पार्टी आजादी ते सिखां दे लई अलहदा घर मंगदी है उहदे उत्ते ठप्पा ला देण। दैट इज द बेस्ट रेफरेंडम, इट इज द बेस्ट प्लेबसाइट दैट यू कैन गैट। कन्हैया सिंह पीर मुहम्मद जी, तुसीं इहदे बारे की कहना चाहुंदे जो सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने इस वारी एक बहुत वधिया सुझाव दिता, तुसी की कहने? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख कौम दे नतड़क जरनैल सरदार सिमरनजीत सिंह मान जो कि प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने, उन्होंने बहुत अच्छे विचार अपने रखे ने। सिख फॉर जस्टिस मनुखी अधिकार संस्था जिहड़ी असी 2007 दे विच बनाई सी, अमेरिका कैनेडा ते पूरे यूरोप दे विच वख-वख देशां विच काम कर रही है, और उन्होंने जिहड़ा प्रस्ताव रखिया 2020 दा सिख रेफरेंडम दा, जिस दे बारे सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने विचार रखे ने, उस संबंध विच मेरी उन्होंने वीरां दे नाल बहुत लम्मी चौड़ी गलबात हुई है। इसे करके पंजाब दे विच असी कोई सरगर्मी उसकी शुरू नहीं कीती कि मैं कोई नवी कन्फ्यूजन जिहड़ी नहीं खड़ी करनी चाहुंदा। मैं चाहुंदा कि यह जिहड़ा मसला है, सिख कौम आजादी चाहुंदी है और आजादी लई बहुत वड्डियां कुर्बानियां होईयां ने, साढ़े हजारां नौजवान शहीद हो गए ने, बापू सूरत सिंह खालसा
अज भी अपनी जान की आहुति देने का जिहड़ा प्रण करके वह पिछले लंबे समय तो संघर्ष कर रहे ने। सो अजे हालात दे विच सिख कौम दे अंदर बहुत सारिया नवीं पार्टियां भी होंद विच आ रही ने। सो जिवें सरदार सिमरजीत सिंह मान जी ने यह गल क्लीयर की है, इसे तरह जिहड़ा यूनाइटेड अकाली दल है जिस दे बहुत सारे मुखी जिन्हां ने खालिस्तान की मूवमेंट के उपर लड़ाई लड़ी है पिछले समय च, ते अज वो कहिंदे ने कि साडा खालिस्तान निशाना नहीं, जदों के हजारां सिख नौजवान इसे खालिस्तान मूवमेंट दे विच शहीद हो चुके ने। सो अजिहे हालातां दे विच मैं समझना अकाली दल बादल तो बाद जे सिख कौम दी जिहड़ी एक मजबूत पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है जिहड़ी सिख हितां दे उत्ते पहरा देण वाली पार्टी है, सो आपां नूं जिहड़ा मौजूदा संघर्ष भी है ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500-500 400-400 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਦਾ 250 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ 1775 ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ।
असि उस वेले झाड़ू फड़न वाले बंदे सीगे, पर गुरु साहब ने सानू जात पात मका के सानू अज राज दे बराबर करता, सानू शस्त्र देते है। ते फिर तुसी हिंदुत्व दे कास्ट सिस्टम जात पात दे विच जाके हुण शूद्र बनना चाहते हो? असि कहने कृपाण जिहड़ी है तुसी इहदा माहौल भी डाउंदे हो, पर असि कहने कि असि झाड़ू वाले नहीं बनांगे। साडा विरसा बहुत अमीर है ते असि तकड़े है ते असि बिलकुल साह नहीं दवांगे। जिवें सरबत खालसे दे विच हुक्म होया कि असि खालिस्तान एक इंडिपेंडेंट सोवरन स्टेट जिहड़ी इस्लामिक पाकिस्तान, हिंदू इंडिया, कम्युनिस्ट चाइना दे विचकार होगी। ए तिन्ने परमाणु शक्तियां हन, पाकिस्तान, इंडिया ते चाइना। जे इन्हां दे विच जंग किते शुरू हो गया फिर सिखां दी जिहड़ी सिविलाइजेशन है ए खत्म हो जूगी। इहदे बारे सानू अपने विचार दसो सारियां चीजां दे कि तुसी किथे खड़े हो। जिहड़े लोग भस्मासुर संत जरनैल सिंह साडे लीडर नूं कहिंदे आ, मैं उहनां वीरां नूं निम्रता सहित हथ जोड़ के बेनती करदा कि तुसी पंथ दे विच वापस आओ। ए जिहड़ा पखंड केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी ने कीता है ते सेंटर दी रॉ ते आईबी एजेंसियां इस नूं चला रही है, ए पखंड आपां दूर करिए ते आपां ऐतकी पंथक सरकार बनाइए जिहड़ी ना केजरीवाल दी होवे, ना कैप्टन कांग्रेस दी होवे, ना बादल दलियां दी। इन्हां नूं सरबत खालसे दे विच छांगिया गया सिक्खी तों। सो मेरी आस है कि तुसी हुण इहदे ते बहस नहीं करोगे, क्योंकि इह फजूल बहस होगी। असी सिख है, इह साडी होमलैंड है ते असी अपना राज इहदे विच चाहुंदे हां। हिंदू मुसलमान ईसाई बहुत अच्छे है, पर उन्हां सारियां कौमां दे अपने अपने मुल्क है। मुसलमानां दा पाकिस्तान है, हिंदुआं दा इंडिया है ते सिखां दा भी बराबर दा सोवरन स्टेट, इंडिपेंडेंट बफर स्टेट इत्थे असीं बनावांगे। आस करदे फतेह महाराज सच्चे पातशाह इसकी बख्शन। ते तुसी भी जिहड़े गुमराह हो गए हो, जिहड़े कैट बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अजे भी प्रचार आम आदमी पार्टी दा कैनेडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड ते आस्ट्रेलिया तो करदे हो, सानू तुहाडा पूरा पता है। तुसी वापस अपनी कौम दे विच आओ ते साडे नाल मोटे नाल मोटा मना के चलो ते आपां इलैक्शन जीतीए, जिहदे पिछों आपां सिख कौम दा कुछ सारा कुछ सवार सकीए। झाड़ू दे नाल कुछ नहीं होना, जिहदे हत्थ दे विच होगी कृपाण ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆਪੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।